आज बात करेंगे एक विशेष कहानी की, जिसका नाम है स्वप्नफल। एक बार एक राजा ने सपना देखा। सपने में देखा कि सारे दांत टूट गए हैं, केवल सामने का एक बड़ा दांत ही मुंह में बचा है। सुबह राजा ने दरबार में अपना सपना सुनाया और कहा, जो भी व्यक्ति सपने का हल बताएगा उसको मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्रियों ने सलाह की कि स्वप्न विशेषज्ञों को बुलाया जाए, स्वप्न का फलादेश पूछा जाए। अब राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। जो भी विद्वान ज्ञानी राजा को उनके स्वप्न का सही फलादेश बताएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। अब कई व्यक्ति दरबार में आए, परंतु कोई भी राजा को सही जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाया। एक दिन एक विद्वान व्यक्ति जिसने काशी में विद्या प्राप्त की थी दरबार में आया और बोला, महाराज मैं आपके स्वप्न का सही फलादेश बता सकता हूँ। राजा सहित सभी दरबारी जिज्ञासा से उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। राजा ने अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बताइए मेरे स्वप्न का क्या फलादेश है। तो उस व्यक्ति ने कहा, राजन आपका यह स्वप्न बड़ा बेकार है। इसके स्वप्न फल स्वरूप आपके सामने ही आपके परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे और आप सबके बाद मरेंगे। ये सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। उसने उस व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। अब कुछ दिनों बाद एक साधारण सा व्यक्ति दरबार में आया और बोला, राजन आप अपना सपना मुझे बताइए, मैं उसका सही फलादेश बताने की कोशिश करूंगा। राजा ने उसे अपना सपना सुनाया। सपना सुनकर व्यक्ति कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, राजा यह बड़ा अच्छा सपना है। आपको हम सभी प्रजाजन पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि आप जैसे धर्मात्मा पुण्यात्मा और प्रजापालक राजा को दीर्घायु होगी। राजन आपके परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी होगी। इस राज्य का यह सौभाग्य है कि आप कई वर्षों तक राज्य करेंगे। अब स्वप्न का फलादेश सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ, उस व्यक्ति को विशेष सम्मान कर उसे काफी धन दिया। अब दोनों ही व्यक्तियों ने स्वप्न का एक ही फलादेश बताया, दोनों का मतलब भी एक ही था। फिर भी एक व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल भेज दिया गया और दूसरे को विशेष सम्मान देकर उसे धन दौलत का इनाम मिला। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने महान विद्वान होते हुए भी अपने उत्तर और बोलने में उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने साधारण होते हुए भी अपने उत्तर और बातचीत में उचित और सही शब्दों का प्रयोग किया। तो याद रखिए दोस्तों, हम जो रोज बोलचाल में बातचीत में जो शब्द हम यूज़ करते हैं उनका बड़ा विशेष महत्व होता है। जब हम किसी भी बात को उचित से सम्मानित शब्दों के साथ मीठे ढंग से सभ्यता के साथ बोलते हैं तो दुश्मन के मन में भी प्यार भर जाता है, और ऐसे ही गलत शब्दों के प्रयोग से असभ्य अमर्यादित व रूखा बोलने के तरीकों से अपनों के दिलों में भी हम नफरत पैदा कर लेते हैं। इसलिए वाणी का प्रयोग हमेशा सोच समझ कर कीजिए।